इस वीडियो में ग्रेम के जो क्रैश प्रॉब्लम है उसको कैसे फिक्स करना है वो भी बताऊंगा और बाकी सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो ऊपर प्लस का आइकन जो दिया है उस पर जो है टैप करेंगे एमुलेटर में तो सारे फोल्डर आ जाएंगे आपके जो भी फ़ोन में रहेंगे। तो जहां पर आपने रखा है रोम फाइल जो कि आपको जो है ओरिजिनल फाइल रखना है, ठीक है, तो इस तरह से WFS या फिर ISO फाइल रहेगा, ठीक है, एनकिट ISO फाइल, ठीक है। आप चाहे तो नॉर्मल वर्जन कर लें या फिर कॉम्प्रेस वर्जन आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में परफॉर्मेंस एक ही है। तो यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आपका फाइल ऐसा रहेगा, ठीक है, दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी रहे फाइल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है, जब फाइल दिख जाए तो ओके कर देना है, किसी भी फोल्डर में रहे बस उस फोल्डर में जाके ओके कर देना है, ठीक है। ओके करते ही आपका जो गेम है ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इस पर जो है गेम सेटिंग करने के लिए जो है गेम पर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो जो है कुछ ऑप्शन आ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर जाना है गेम सेटिंग्स में, और यहाँ पर जाना है जनरल में, और यहाँ पर डुअल कोर जो ऑप्शन टिक कर देना है, ओवरराइड एमुलेटर की सीपीयू क्लॉक स्पीड को टिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर एमुलेटर सीपीयू क्लॉक स्पीड को मैं 60% पर रखता हूँ, आपका डिवाइस कम पावरफुल हो मेरे से तो कम रखिए, ज़्यादा पावरफुल हो ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। अब ओके कर दीजिए, और यहाँ पर जो है सिंक ऑन स्किप आइडल को जो है डिसेबल कर दीजिए, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे छोड़ के बैक हो जाइए, और ग्राफिक्स सेटिंग्स में जाते हैं, और वीडियो बैकग्राउंड में जो है पहला वाला ऑप्शन, और यहाँ पर 100 FPS कर दीजिए, और शेडर में जो है पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। एस्पेक्ट रेशियो को जो है स्ट्रेच टू विंडो कर देता हूँ जिससे फुल स्क्रीन में गेम प्ले हो, और यहाँ से बैक हो जाते हैं और चलते हैं एनहांसमेंट्स में, और यहाँ पर इंटरनल रिसोर्सर को मैं 1.5x रखता हूँ, आपका डिवाइस कम पावरफुल हो तो कम रखिए, ज़्यादा पावरफुल हो तो ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ से जो है नीचे चलते हैं और वाइड स्क्रीन हाई को जो टिक कर दीजिए जिससे कि कैरेक्टर वगैरह जो है चौड़ा ना दिखाई दे, ठीक है, और यहाँ से बैक, और हैक्स में चलते हैं, हैक्स में सारी चीज़ें जो है डिफ़ॉल्ट जो है देख सकते हैं ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, और यहाँ से बैक, और फिर से बैक चलते हैं, और यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब जो है क्रेश प्रॉब्लम कैसे फिक्स करना पहले दिखा देता हूँ, ऐसे प्ले करेंगे गेम जो है क्रेश हो जाएगा, ठीक है, प्ले कर दिया, देख सकते हैं कि अभी यहाँ से बैक हो चुका है। अब जो है गेम पर फिर से प्रेस इन होल्ड करके रखेंगे और जाएंगे सेटिंग्स में, मतलब गेम सेटिंग्स में, और यहाँ पर जाना है नीचे, जब नीचे जाएंगे तो आपको WII जो ऑप्शन है उस पर जो है टैप करेंगे तो कुछ ऑप्शन इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम लैंग्वेज जो है उस पर टैप करके आपको जो जैपनीज है उसको जो है इंग्लिश कर देना है, ठीक है, जैपनीज से आपको टैप करके यहाँ पर जो है इंग्लिश कर देना है, ठीक है, दूसरी भाषा में नहीं, यहाँ से जो है बैक हो जाना है, फिर से बैक हो जाना है, और यहाँ पर सेटिंग से हो जाएगी। अब जो है गेम को प्ले करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके आगे जो है छोटी सेटिंग है जो है कि WII जो है सेक का, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट करके जो है एडिट से बटन को ऐसे करके डन कर सकते हैं, कोई भी बटन मूव कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है WII सेक जो है कहाँ पर करना है, किस तरह से और प्लस बटन दबाकर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगो वगैरह आ रहा है, अभी गेम के बारे में बता रहा है कि जो इंट्रो वगैरह है, तो यहाँ पर जो है एक्टिव विजन का लोगो जो है देख सकते हैं आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए बटन दबाएंगे तो मतलब स्किप हो जाएगा, ए बटन दबाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मार्वल का लोगो आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो 20th Century फॉक्स है उसका भी आ चुका है, और इसके बाद जो है जो भी ब्रांड्स वगैरह है, और यहाँ पर इमेज आ चुका है। अब इसके बाद जो है मेनू आ जाएगा थोड़ी देर में, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर से हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग में समय लगेगा, और यहाँ पर आ चुका है मेनू, यहाँ पर से होगा, और यहाँ पर जो है न्यू गेम कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बटन को दबाएंगे तो न्यू गेम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर 3 जो है सेव के लिए है तो पहला वाले में सेव कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा लोडिंग हो चुका है कम्प्लीट। अब यहाँ पर ये बटन दबा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, दबाते रहेंगे तो जो मिशन वगैरह के बारे में बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पर से हो चुका है। अब जो है मतलब कि गेम शुरू होने वाला है तो थोड़ा सा लोडिंग समय लगेगा, लोडिंग टाइम जो है आपके फ़ोन के मतलब हिसाब से है कि आपका फ़ोन कितना पावरफुल है उतना ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है कटसीन, कटसीन जो है आप स्किप कर सकते हैं ए बटन को दबाकर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चलने देता हूँ, देख सकते हैं कि 60 FPS यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है कटसीन काफ़ी बढ़िया है, ग्राफिक्स बढ़िया है इसके, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं इसके ऊपर हमला वगैरह करने के बारे में, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि
यहाँ पर इसको आवाज़ें जो सुनाई रही दे रही है, मतलब जो इसकी जो साथी होती है, जो बीवी होती है, तो यहाँ पर जो है फाइट करना, ये बटन दबा देंगे तो इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बटन दबा दिया और फाइट कर रहा हूँ वी और जेड से, ठीक है। और यहाँ पर जाना है सामने, इसको तोड़ना है, वी बटन से इसे तोड़ देंगे और यहाँ पर आते रहेंगे दोस्तों। वी और जेड बटन से जो है फाइट करना है, ठीक है, नॉर्मल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि और दुश्मन आ चुके हैं, वी और जेड को दबा कर जो है 50 मतलब 60-30 से ऊपर ही मतलब दे रहा है, मतलब FPS जो है काफ़ी बढ़िया तब भी है, मतलब 60 FPS जो है फुल आकर चाहिए। तो जो है 100 CPU टॉप स्पीड 100% रखना होगा और डिवाइस भी पावरफुल होना चाहिए। और ऊपर से मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर बैकग्राउंड में चल रहा है वो भी काफ़ी CPU और GPU मतलब यूज कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मार देने के बाद जो है आपको यहाँ पर आगे जाना है, ठीक है। तो पहले मार देते हैं और यहाँ पर मार चुके हैं, अब यहाँ इस पर तोड़ना है वी बटन से, काट देना मतलब, और वी और जेड से, ठीक है। और यहाँ पर सामने की तरफ जो है दुश्मन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस बटन दबाएंगे तो ऐसे रेड हो जाएगा और चीज़ें दिखाएगा जो नहीं दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस दबा के फिर से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर इसको मार देते हैं और यहाँ पर जो है और आ रहे हैं दुश्मन और यहाँ पर जो है ये ऊपर चढ़ना है तो ये बटन दबा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर जो है अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर जो है सामने की तरफ भी रास्ते शायद हैं और बंद हैं सर, तो यहाँ पर जो है चलते हैं जो बताया वही रास्ते पहले, आसान रहेगा नहीं तो फंस जाएंगे। यहाँ पर अब वापस से आ चुके हैं और यहाँ से चलते हैं ऊपर और दुश्मन आ रहे हैं, यहाँ पर किसी बी और जेड बटन दबा कर से जो है कॉम्बो में दबाएंगे तो ज़्यादा इस तरह अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो है मार देते हैं, ठीक है। अब मारने के बाद जो है जाना आगे जो है ये बटन दबा कर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये बटन को फिर से दबाना है और यहाँ पर जो है देख सकते हैं रोबोट है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी कभी नहीं भी दिखाई दे रहा है देगा, वहाँ पर माइनस दबाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखते हैं और कोई चीज़ है कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं और यहाँ पर जो है नीचे गिर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये बटन जो है पहले देख लेते हैं, तो वही रास्ता है जहाँ से हम लोग शायद आ रहे थे पहले, तो ये बटन को दबा कर ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर से सामने की तरफ जाते हैं और यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर दुश्मन आ रहे हैं तो उनको मार देते हैं। और यहाँ पर कई सारे दुश्मन हैं तो यहाँ पर मारने के बाद जो है मतलब यहाँ पर जंप करके यहाँ पर एक बंदा और बचा था। यहाँ पर जो है आपको जो है जंप करते जाना है ये बटन से और यहाँ पर जो है आपको मतलब जो ऊपर स्वाइप करना है 3 डॉट पर जाना है, जॉयस्टिक इंडिकेशन में जाना है और WASD पर जो है टैप कर देना है। यहाँ पर एक बटन और आ जाएगा, इसको जो है आपको ऐसे प्लस दबाकर इसके बाद ऐसे करना, सेफ्टी प्लस पहले दबाएंगे फिर इसके बाद ऐसे घुमाएंगे, प्लस दबाएंगे तो जो ऐसे ग्रीन ग्रीन आइकन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर जो है आगे जो है हमारा लेवल जो है आने वाला है, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लोडिंग समय लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आ चुके हैं मतलब जो दुश्मन हमारे हैं अभी मिलेंगे, तो यहाँ पर इनको मारना है, ठीक है। तो इनको मार देते हैं भाई, तो यहाँ पर जो है प्लस दबा कर ऐसे सेक करेंगे तैसे उसका जो है मतलब मोड़ी ही उड़ा देगा और यहाँ पर जो है ऐसे नहीं काम करेगा, ठीक है। प्लस दबा कर रखेंगे तब करेगा और लगातार जो है अटैक करते रहेंगे तब थोड़ा दिक्कत होगा करने में। तो यहाँ पर जो है देखते हैं शायद कोई है, तो यहाँ पर माइनस दबा कर देखते हैं और यहाँ पर इसको जो है मार देते हैं, बोला आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक इसको मारेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बटन दबाएंगे, ठीक है, नहीं यहाँ पर प्लस दबाएंगे और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस दबा कर सेव करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कोई रोबोट वगैरह नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पर फिर से प्लस दबाएंगे और यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर सेव करते जाना है, ठीक है। सेव करते जाएंगे तभी आप वापस मतलब ऊपर जा पाएंगे और यहाँ पर आ चुके हैं पेड़ पर और यहाँ पर फिर नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ है शायद, यहाँ पर देखते हैं क्या है, अरे वही रोबोट है, माइनस दबाया और यहाँ पर मिल चुका है, इसको मार देते हैं और माइनस फिर से दबाते हैं और यहाँ पर फिर से प्लस दबाएंगे
तो हमें जो है रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैश दबाया और इसे सेक करिए और यहाँ पर पहुँच चुके हैं रास्ते पर। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, मतलब जाते रहेंगे, वो तो कट सीन है। इसके बाद जो है लोडिंग शुरू हो चुकी है और अब जो है अगला जो है मिशन या चैप्टर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर जाते हुए एक कटसीन है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी गाड़ी जो है ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर जो है देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर रोबोट है। यहाँ पर इसको मार देते हैं माइनस दबा के और यहाँ पर जेड दबा के होल्ड करके रखना है शायद कुछ। तो यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, शायद गाड़ी के आस पास आना है या। तो यहाँ पर माइनस दबा के देखते हैं, नहीं कुछ है। तो यहाँ पर थोड़ा हीट हो गया फोन तो पीस गिर गए थे और फिर से वापस आ चुका है। और यहाँ पर जेड दबा कर रखेंगे और ऐसे चेक करेंगे तो इसको जो है तोड़ के निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कार वगैरह का दिखा रहा है और इसके अंदर जो है वो मरी हुई या बेहोश हालत में कुछ है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि वीडियो मतलब जो ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर कटसीन है। अब जो है मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ क्योंकि और वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो मिलते हैं।